हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून सर। 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 सर, गुड आफ्टरनून सर। सर, यू हैवंट सेंड द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द केवीपीवाई लेक्चर सर। हां, मुझे भेजना है। एक्चुअली कल मेरा आफ्टर केवीपीवाई लेक्चर्स भी क्लासेस थे बैक टू बैक, सो रात को आई वाज लाइक कि अब मेरे को लैपटॉप खोलना ही नहीं है। हाँ सर, चलेगा सर। और शायद एक डीपीपी भेजना है आपको। सर, सब सिर्फ रिमाइंड कर रहा था। तो आई विल सेंड देम आफ्टर दिस क्लास। केवीपीवाई का भी भेज दूंगा और आज का भी भेजना ही रहेगा। थैंक यू सर। सर, आपको डीपीपी 2 भी शेयर करना है आई थिंक। एक चीज ये बताओ, कल आप लोगों का दस बजे कौन सा लेक्चर है आप लोगों का कल? सर, मैथ्स का शायद कैंसिल हो गया। सर, मैथ्स का बट सर कैंसिल हो गया। सर, आपके पास भी ऑप्शन है कैंसिल करने का? नहीं नहीं, मैथ्स का जीकेएम सर का है जो कि कैंसिल हो गया है कल। ठीक है, और उसकी जगह और कुछ थोड़ा ना अनाउंस हुआ है अभी? नहीं सर। ओके, तो मैं सोच रहा था, और 12 बजे मेरे साथ में? यस सर। तो 12 बजे की जगह मैं सोच रहा था कि मैं 10 बजे का लेक्चर ले लेता हूँ आप लोगों के साथ में। चलेगा सर। बट ठीक है, वो एक्चुअली डिपेंड करेगा। वो हो सकता है कि जीकेएम सर की जगह किसी और टीचर का लेक्चर लगा दे आपके लिए। नहीं सर, जीकेएम सर तीनों तीन सर लेक्चर और जीकेएम का सर का हटा दिया, तो सिर्फ दो ही लेक्चर है कल। अच्छा, कल लेक्चर ही नहीं है? नहीं नहीं, कैंसिल हो गया। तीनों लेक्चर थे बट कैंसिल कर दिया जीकेएम सर का। जीकेएम सर, बट यू tell me that ki was it something that is there in your timetable that has been cancelled? Yes sir, aaj hi GKM sir ne announce kiya ki kal wo lecture nahi le. नहीं नहीं, जीकेएम सर ने तो अनाउंस कर दिया। सर, वो पता नहीं अगर कोई और ले रहा है उस टाइम पे नहीं या नहीं। सर, और कौन लेगा सर? फिजिक्स का लेक्चर फर्स्ट लेक्चर है। अरे बाबा, एक मिनट, आपका जो वीकली टाइम टेबल आता है, वो जो पीले पीले कलर का आता है ना पीडीएफ? हाँ सर। पीले पीले कलर के टाइम टेबल में कल 10 बजे शेड्यूल क्या है ये बताओ। मैथ्स का शेड्यूल लेक्चर है ना? हाँ सर। बीच में गौरव कोठारी सर को कुछ काम आ गया होगा, तो उसकी वजह से उन्होंने वो लेक्चर कैंसिल कर दिया है। यस सर। ठीक है, तो मुझे बात करनी पड़ेगी, बिकॉज मोस्ट लाइकली हो सकता है कि आपको कोई ना कोई उसमें लाइक अलग से कोई और टीचर आ जाए और फिर वो ये चीज क्या बोलते हैं। नहीं सर, सर ने बोला कल लेक्चर ही नहीं होगा। हाँ सर, नहीं होगा। कौन सा लेक्चर? कोई भी लेक्चर मैथ्स का, सर ने यही बोला। मैथ्स का कोई भी लेक्चर। लेकिन दूसरा टीचर क्यों आएगा सर? सबके पास मतलब पहले से क्लासेस है ना? अरे वो होता है, मतलब इट इज लाइक नहीं, बट सर ने बोला कैंसिल है। हाँ सर, उन्होंने बोला कुछ रीशेड्यूल, वो सब नहीं हो रहा है डायरेक्टली कैंसिल। तो फिर ऐसा मैं बात करके कंफर्म करके बता रहा हूं। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल कीप दैट 10 एएम। हाँ सर, चलेगा। ठीक है, सो दैट वी आर डन बाय 12। इसके बाद में हाँ, एक दो और लगेंगे। ओके सर, ठीक है, बट हो जाएगा। सर, आपको डीपीपी 2 भी भेजने का है, आपने तक भेजा नहीं? डीपीपी 2 नहीं भेजा मैंने।3, 4, 7 भेज दिया।
ठीक है, फाइव और सिक्स वो रेलेवेंट नहीं है, मतलब दैट इज नॉट समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट. और सर हम होमवर्क का भी डिस्कस करेंगे. और होमवर्क भी डिस्कस करना है ना, अपना होमवर्क का थोड़ा पेंडिंग रह गया है अब डिस्कशन. तो ऐसा करते हैं, आज जितना हो पाएगा लेट मी फर्स्ट ट्राई एंड कंप्लीट. एंड आप लोग आज करके आए होगे ना होमवर्क तो? यस सर, मोस्ट हो गया सर, मोस्ट हो गया, थोड़ा बाकी है. हां सर, सर एक डीपी भी बाकी है. हाँ तो ठीक है, तो आज थोड़ा सा पढ़ा के फिर उसके बाद में बचे हुए टाइम में वी कैन डिस्कस डाउट्स. ठीक है. अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग ये एप्लीकेशन देख रहे थे कंपेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स के बारे में, राइट. इनऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल देख रहे थे हम लोग. इनऑर्गेनिक एसिड्स या इनको मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं, राइट. इसमें हम लोगों ने क्लासिफाई करा था, हम लोग दो टाइप्स के एसिड्स का डिस्कशन करेंगे. एक HX टाइप विच वी कॉल एज हाइड्रा एसिड्स एंड और हाइड्रा या हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रो भी यूज जाता है, या फिर ऑक्सी एसिड्स, ये जो XOH टाइप के एसिड्स हैं. नाउ बिफोर आई स्टार्टेड टेकिंग यू थ्रू द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, पहले मैंने कुछ मिसकंसेप्शंस आपके एलिमिनेट करे थे. ये याद, ये समझ में आ गए थे सबको? पीएच के बेसिस पे कंपाउंड का एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ नहीं बताया जाता है. पीएच वैल्यूज आर डिफाइंड फॉर सॉल्यूशंस, राइट. एंड सेकंड पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था रिलेटेड टू द बेसिसिटी और नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन. उससे भी नहीं कंपेयर करता है कि नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन ज्यादा हो गए तो मतलब पर मॉलिक्यूल बेसिस पे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई. नहीं, दैट इज ऑल्सो नॉट अ कंपेरिजन. लाइक H3PO4 इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, इनफैक्ट मैंने बताया था आपको दैट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज रिलेटेड टू इट्स टेंडेंसी टू गिव H+, ग्रेटर राइट, ग्रेटर द टेंडेंसी, ग्रेटर इज द एसिडिक नेचर. ठीक है, अब यहां पे नोटिस करना दैट दिस एसिडिक स्ट्रेंथ, लेट मी एक्चुअली इलैबोरेट थोड़ा सा और यहां पर. तो ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात किया था मैंने पिछली क्लास में, तो उसके लिए नोटिस करना दिस एसिडिक स्ट्रेंथ इज क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ acid dissociation constant Ka, K subscript में small a of compound. ठीक है, greater Ka implies stronger acid. Right, so in terms of ये जो acidic strength का मैंने subjective definition दिया था, subjective definition क्या दिया था यहां पर ऊपर, मैंने ऐसा बोल दिया था it is a tendency to give H plus, but how do I measure that tendency? So that measurement, that quantification is done in terms of this value or this term that is called as acid dissociation constant or Ka, right. Agar Ka ka value zyada rehta hai to acid zyada stronger hoga. Okay, so for example if I ask you Ka of, ठीक है, मैं आपको डेटा दे रहा हूं, K of CH3COH is roughly 10⁻⁵. K of formic acid HCOH, it is 10⁻⁴. Then which is a stronger acid?
HCOH. ठीक है, जो फॉर्मिक एसिड है HCOH इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड. ठीक है, नाउ हाँ नहीं यूनिट्स रहती हैं इसकी बट यू डोंट नीड दैट राइट नाउ. नाउ दिस इज समथिंग विच इज अ टैबुलेटेड वैल्यू इन टेक्स्ट बुक्स. तो अब जैसे आपको लेट्स से फ्यूचर में मुझसे पूछना है कि सर कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर होगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं वो एसिड का नाम ढूंढूंगा कोई भी अच्छी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में जाके, उसका के वैल्यू नोटिस करूंगा और फिर जिससे कंपेयर करना है उसका के वैल्यू नोटिस करूंगा और जिसका के कम या ज्यादा होगा वो मैं आपको बता दूंगा. सर तो हमें ये वैल्यूज लर्न करनी है. ठीक है हाँ, अब प्रॉब्लम क्या है दैट आपको ये वैल्यूज लर्न नहीं करनी है. ठीक है, और ना ही आपको कोई ऐसा रिपोजिटरी या हैंडबुक एग्जाम में मिलेगा कि यू नो जाओ इसमें देख लो टेबल में से और बता दो कौन सा स्ट्रॉन्गर है कौन सा वीकर. आपसे क्या एक्सपेक्ट करा जाएगा दैट बेस्ड अपॉन द नॉलेज ऑफ द मॉलिक्यूल, बेस्ड अपॉन कि वो कैसे एलिमेंट से बन रहा है, कैसे उसमें मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डेड हैं, बेस्ड ऑन दैट नॉलेज आपसे एक्सपेक्टेशन होगी कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड होना चाहिए कौन सा वीकर एसिड होना चाहिए. राइट, सो यू विल नॉट गेट एक्सेस टू दिस के वैल्यूज, रादर यू वुड बी आस्ड टू प्रिडिक्ट कि किसका के कम किसका के ज्यादा होना चाहिए, कौन सा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए कौन सा वीकर होना चाहिए. हेंस द टॉपिक कंपेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स. ठीक है, तो यहां पर मैं एक बार आपके सामने लिख देता हूं. हाउएवर यहां पे इवन विदाउट द नॉलेज ऑफ के, ठीक है, विदाउट द नॉलेज ऑफ के वैल्यूज we can do comparisons of acidic strength. Now notice करना, जैसा मैंने आपको I think last class में बताया था कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और important topic है जो कि आप organic chemistry में detail में देखोगे. However वहां पर आप फोकस करोगे ऑर्गेनिक एसिड्स के ऊपर, ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक दीज. अभी इस चैप्टर में आई विल नॉट टेक यू थ्रू दोज एग्जांपल्स, नॉट टेक यू थ्रू दोज ऑर्गेनिक एसिड्स. माय टास्क राइट नाउ हियर इज टू टेक यू थ्रू सम सिंपल इनऑर्गेनिक एसिड्स. ठीक है, क्या बताया मैंने एग्जाम्पल्स, दो टाइप के रहेंगे यहां पर, एच एक्स टाइप एंड एक्सओ एच टाइप्स. ठीक है, इन इनऑर्गेनिक एसिड्स का मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा. ठीक है, सो लेट्स बिगिन दैट डिस्कशन विद फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ. ठीक है, व्हाट आर द टू फैक्टर्स. ठीक है, दो फैक्टर्स होंगे. पहला फैक्टर नोटिस करना है यहां पर इज पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन. राइट, क्योंकि यहां पर हम लोग का जो एसिड का डेफिनेशन है वो क्या है कि एसिड जो है वो H प्लस रिलीज करेगा. राइट, तो हम लोग जो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड है उसके ऊपर ध्यान देना चाहेंगे. वी वुड वॉन्ट टू लुक एट दैट बॉन्ड एंड बेस्ड अपॉन दैट कॉमेंट वेदर इट विल बी रिलीज्ड, द H प्लस विल बी रिलीज्ड इजिली और नॉट. तो पहला फैक्टर आ जाएगा पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन. राइट, व्हाट डू आई मीन बाय पोलैरिटी, यहां पे उसके नीचे रीड करो, ग्रेटर द डेल्टा ई एन, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ग्रेटर आर द पार्शियल चार्जेस, ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी ऑफ वाटर जो कि खुद भी पोलर होता है. ठीक है, आपको याद है मैंने बात करा था वाटर के बारे में कि पोलर क्या होता है, जब
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिस्कशन कर रहा था. यस सर. यस सर. ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू ब्रेक द बॉन्ड एंड रिलीज द एच प्लस आयन. ठीक है, तो ये पहला फैक्टर आपके सामने हो गया. पोलैरिटी बढ़ेगा इस बॉन्ड का तो ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू रिलीज एच प्लस आयन्स. ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर. ओके, दूसरा फैक्टर नोटिस करना है यहां पर. दूसरा फैक्टर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड एसोसिएटेड विद एच. ठीक है, ये जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ कैसी है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. नाउ कैन यू गेस, अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ या एच प्लस देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? कम हो जाएगी. काफी इंट्यूटिव, काफी नॉर्मल सा गैस है. अगर बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा तो डिफिकल्ट टू ब्रेक हो जाएगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. राइट, नाउ आफ्टर रीडिंग दीज टू पॉइंट्स देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन दैट कम्स. आर यू एबल टू हैव दैट डाउट? यस सर. क्या कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है? सर पार्शियल चार्ज बढ़ेंगे तो स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, लेकिन फिर उसकी वो ब्रेक करने की बात है. क्या 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 सर? पोलैरिटी बढ़ेगी डेल्टा ईएन तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन क्या कहते हैं वो तोड़ने की H2 की वो भी बनेगी. राइट, सो यहां पर अपॉन रीडिंग दीज टू पॉइंट्स आप नोटिस करोगे, एज यू कैन नोटिस द टू फैक्टर्स आर कॉन्ट्रडिक्टरी इन नेचर. Why? Because अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो पहला पॉइंट बोल रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, बट वी ऑल्सो नो कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ता है तो स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है ना, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस फिर तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाना चाहिए. तो दैट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन दैट इज देयर. जब ऐसा होता है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड that which factor dominates them. Okay, this will help us in answering the question that which factor dominates when, and usse hum log kaise comparisons kar sakte hain. Theek hai, so let's look at which factor dominates when इन अ सिस्टमैटिक फॉर्म. ठीक है, तो पहले मैं आपके सामने ये शो कर देता हूं. एक साथ खूब सारा इंफॉर्मेशन है इसमें. ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हियर. ठीक है, एक एक करके चलते हैं. ठीक है, लेट मी एक्चुअली हाइड नॉट सो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन राइट नाउ. ओके, सबसे पहले फोकस करते हैं हम लोग एचएक्स टाइप ऑफ एसिड के ऊपर, हाइड्रा एसिड्स के ऊपर. एंड उसमें लेट मी टॉक अबाउट कंपैरिजंस विच आर अक्रॉस पीरियड. तो कैन यू नोटिस द एग्जांपल्स? CH4, NH3, H2O, HF, राइट, ये कैसे हो गए? These are hydra compounds, like HX type compounds across a period. ठीक है, आप इसके नीचे वाले पीरियड में भी जा सकते हो. SiH4, PH3, H2S, HCl. Now, इनमें आप notice करना जो deciding factor होता है वो होता है polarity of bond. In the HX type acids across a period, the deciding factor is polarity of bond. तो आप यहाँ पे notice करोगे जो hydrogen और जो भी X element है उसके बीच का electronegative difference आप notice करोगे तो वो left to right बढ़ रहा है. तो हमारा acidic strength भी बढ़ रहा है.
समझ में आ रहा है ये? तो ये आपका हाइड्रा एसिड्स में अक्रॉस अ पीरियड का ट्रेंड है, यहां पर पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड मैटर करता है। अच्छा, अगर आप हाइड्रा एसिड्स में ही डाउन द ग्रुप जा रहे हो, ठीक है, इन हाइड्रा एसिड्स इफ यू आर गोइंग डाउन द ग्रुप, एग्जांपल्स नोटिस करना, लाइक HCHF, HCl, HBr, HI, ठीक है, या फिर H2O, H2S, H2SE, H2TE, राइट, ये एग्जांपल्स हो गए। देखिए क्या हो गए, HX टाइप बट गोइंग डाउन द ग्रुप, राइट। यहां पर द फैक्टर दैट मैटर्स इज स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, राइट, एंड आई थिंक मैंने आपको पहले बताया हुआ था दैट स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज साइज ऑफ एटम, ठीक है, आई थिंक मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था। तो इफ आई आस्क यू टू थिंक अबाउट HF और HCl में किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो व्हाट इज द आंसर? HF, ठीक है, साइज वाला जो फैक्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। तो उसके हिसाब से HF का साइज छोटा है एज कंपेयर टू HCl, डेफिनेटली बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, बिकॉज बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है तो ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाता है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, राइट। सो बिटवीन HF, HCl, HBr, HI इज द मोस्ट एसिडिक, इट इज द स्ट्रॉन्गर एसिड अमंगस्ट दीज, ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ में आया? अच्छा, नाउ यू मे आस्क मी कि सर ऐसा क्यों हुआ कि ऊपर तो आपने पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड फैक्टर लिया डोमिनेंट और नीचे स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड लिया, तो आप सोच सकते हो अक्रॉस द पीरियड जब हम जाते हैं डू यू थिंक साइज का ज्यादा फर्क आता है? नहीं सर, नहीं सर, अक्रॉस अ पीरियड जब हम जाते हैं, मैंने आपको इनफैक्ट कुछ टाइम पहले वैल्यूज वगैरह भी लेके बताया था लॉन्ग बैक, ठीक है, ऑल्दो आई डिडंट आस्क यू टू रिमेंबर दैट डेटा, बट अक्रॉस अ पीरियड साइज का चेंज काफी ग्रेजुअल सा होता है। तो यहां पर एक्चुअली जो स्ट्रेंथ है जो साइज पे डिपेंड करता है वो इतना डोमिनेंट रोल नहीं प्ले करता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जो पोलैरिटी रहेगी बॉन्ड की, वो डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है, दैट काइंड ऑफ गवर्न्स एंड टेल्स अस हाउ द एसिडिक स्ट्रेंथ वुड बी। अच्छा, डाउन द ग्रुप साइज जो है वो काफी सिग्निफिकेंटली चेंज होता है, क्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन, साइज में काफी चेंज आता है, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस that becomes an important factor in the strength of the bond, right? So that is why down the group strength of the bond plays a dominant role and decides how the acidic strength is going to be, theek hai, ye samajh mein aaya aapko? Yes sir. Acha, ab notice karna, हम लोग बात कर रहे हैं अब एक्सो एच टाइप की, ठीक है, ये कौन सा टाइप ऑफ एसिड हो गया? एक्सो एच, ठीक है। अरे क्या पूछ रहे हो आदित्य तुम, डाउट? कैन यू ऑल्सो यूज द ईएन फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड फॉर डाउन द ग्रुप इंस्टेड ऑफ द साइज? तुम मतलब
कॉन्ट्रडिक्शन वर्ड तुम्हें समझ में आता है कि नहीं आता है? यस सर। जो मैंने ऊपर बोला कि ये दो फैक्टर्स हैं, इनके बारे में मैंने ये बोला ना कि कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, राइट? तो हमें किस पे फोकस करना पड़ेगा? जो डोमिनेट करता है, द डोमिनेंट। यस सर। ठीक है, क्या आपको पता है कौन डोमिनेट करता है? सो लाइक इफ यू कंपेयर द नहीं नहीं आंसर माय क्वेश्चन, डू यू नो व्हिच फैक्टर डोमिनेट्स व्हेन? The like if you see across the period, then the size won't dominate much, sir. But down the group, size matters. So यहाँ पर आपको तो पहले से पता नहीं था कौन dominate करता है, ठीक है? मैंने बताया कि across a period में polarity factor dominate करता है और down the group में strength वाला factor dominate करता है। Yes, sir, yes, sir. फिर मैंने उसके पीछे एक लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन भी दिया कि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज के चेंजेस सिग्निफिकेंट हो रहे हैं, एज अ रिजल्ट जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है वो सिग्निफिकेंटली वेरी करता है। देयर विल बी ह्यूज चेंज इन साइज, सो देयरफॉर वी टुक दैट एज अ डोमिनेंट फैक्टर, ठीक है? एंड यहाँ पर अक्रॉस अ पीरियड में साइज डिडंट मैटर मच, इट वॉज एक्चुअली द पोलैरिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दैट इज कॉजिंग द ट्रेंड। अभी ठीक है? Yes sir, yes sir. Okay. How will water and NH3 have a acidic character? नहीं नहीं, so यहाँ पे नोटिस करना यार, तुम मतलब मेरी पूरी मेहनत रायता फेर देते हो। मैंने तुमको पिछली दो क्लास में ये बताया था ना कि we are doing a relative study, जैसे कहाँ गया तुम? जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि ये तो एक जनरल नॉलेज होती है कि कौन सा बेसिक है, कौन सा एसिडिक है, कौन सा एम्फोटेरिक है, राइट? दिस इज समथिंग विच वी गेट टू नो प्रैक्टिकली, बट आई एम नॉट आस्किंग कि आप मुझे ये एब्सोल्यूट नॉलेज बताओ कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग इज अ रिलेटिव कंपैरिजन, नो? एसिडिक नेचर कैसा रहेगा, बेसिक नेचर कैसा रहेगा, याद आया कुछ? यस सर। ठीक है, अभी सॉरी शक्तिमान बोल दो तुम। सॉरी शक्तिमान। सो यस, व्हेन वी आर डूइंग दैट कंपैरिजन, आपके दिमाग में यस ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड यू आर लाइक कि सर अमोनिया तो बेस होता है ना, तो होस की एब्सोल्यूट नेचर है, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूं, ठीक है? H2O जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है, इट कैन एक्ट एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस, वो मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट व्हाट आई एम आस्किंग यू इज इफ आई वाज टू कंपेयर देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, देन उसको हम कैसे डील करेंगे, ठीक है? इसी का ऑपोजिट होगा बेसिक स्ट्रेंथ का, ठीक है? तो एनीवेज, नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, ठीक है? व्हाट इज दिस पार्ट? राइट हैंड बॉटम कॉर्नर, वी आर डिस्कसिंग XOH टाइप एसिड, ठीक है? कैन यू नोटिस द एग्जांपल ऑफ डाउन द ग्रुप, ठीक है? दिस इज डाउन द ग्रुप XOH टाइप ऑफ एसिड के एग्जांपल नोटिस कर सकते हो आप, HOF, HOCl, HOBr, HOI, है कि नहीं? या फिर यू कैन टेक HNO3, H3PO4, H3ASO4, H3SBO4, राइट? नाना पाटे का ऐश्वर्य सब बिंदास वाला जो ग्रुप था, दिख रहा है ये एग्जाम्पल? क्लियर है? दीज आर XOH टाइप डाउन द ग्रुप एग्जाम्पल्स। ओके, तो इसमें अब नोटिस करना, व्हाट वाज द फोकस? द फोकस वाज बॉन्ड एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन, राइट? जो फोकस होता था इसमें
वो किसके ऊपर होता था? बॉन्ड एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन. अब ये जो x का एटम है, इसका साइज घटे कि बढ़े, डज इट मैटर टू मी? बिकॉज माई फैक्टर्स वर रिलेटेड टू पोलैरिटी ऑफ दिस बॉन्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ दिस बॉन्ड ना, द बॉन्ड विच इज एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन. ऊपर देखो, ऊपर मैंने क्या बात करा था, फैक्टर्स क्या है? पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन, राइट? तो यहां पर ये जो बॉन्ड है इस पे आप नोटिस कर रहे हो कि साइज का कोई फैक्टर मैटर कर रहा है क्या एक्स का? नहीं सर, नहीं कर रहा, राइट? तो यहां पर दैट इज व्हाई द डिसाइडिंग फैक्टर अगेन इज पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड ओनली. ठीक है, अब आप नोटिस करोगे तो इसमें आपको कैसा लगेगा कि सर OH तो सब में सेम है, तो फिर पोलैरिटी कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है? वेल, पोलैरिटी इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड. ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करोगे, बोलोगे सर सब में तो OH OH सेम है ना? हाँ सर. तो यहाँ पर पोलैरिटी जो है वो इनडायरेक्टली एडजेसेंट एटम से इन्फ्लुएंस होती है. ये फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करना चाहेगा, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को और राइट की तरफ खींचना चाहेगा. ठीक है, ये जो ऑलरेडी पोलर बॉन्ड है H और O का, उसमें आपको दिख रहा है कि H पर पार्शियल चार्जेस रहेंगे और O पर पार्शियल नेगेटिव चार्जेस रहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना. अब यहां पर आप नोटिस करोगे जो बाजू के एलिमेंट्स हैं, राइट, उनका अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है तो उसकी वजह से ये जो बॉन्ड रहेगा ओवर एच का, उसका पोलैरिटी भी इन्फ्लुएंस होता है, वो पोलैरिटी भी बढ़ने लग जाता है. समझ में आया? ये जो एच ओ बॉन्ड है यहाँ पर, एच ओ, इसमें कैसा है, ऑलरेडी एक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं, और ये सब में सेम ही है, तो कंपैरिजन का पॉइंट किसकी वजह से आएगा, जो इनके साथ में अटैच्ड है एक्स, है कि नहीं? अब अगर ये एक्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को और राइट की तरफ ही खींच रहा होगा, है कि नहीं? हाँ सर. तो पोलैरिटी और बढ़ जाएगी ना बॉन्ड की, अगर पोलैरिटी और बढ़ जाएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा सर, इंक्रीज होएगा, राइट? सो दैट इज व्हाट वी हैव अदर ट्रेंड ओवर हियर कि HOF इज मोर एसिडिक देन HOCl, इज मोर एसिडिक देन HOBr, इज मोर एसिडिक देन HOI. Right, HNO3 is more acidic than H3PO4. ठीक है? H3PO4 is more acidic than HASO4. Is more acidic than H3SBO4. ठीक है? समझ में आ रहा है ये? Yes sir. Yes. मैं अगर आपको कल को पूछूंगा H2SO4 में और H2SeO4 में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो क्या बोलोगे आप? H2SO4. तो आप बोलोगे कि सर पहले तो टाइप आइडेंटिफाई करते हैं, ये हाइड्रा एसिड है कि ऑक्सी एसिड है? ऑक्सी एसिड. फिर आप बोलोगे कि सर ये अक्रॉस अ पीरियड है कि डाउन द ग्रुप है? डाउन द ग्रुप में कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है? पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड. तो जो पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड होगा इसमें, ठीक है, O और H से जो अटैच्ड एटम है वो सल्फर है और नीचे के केस में सेलेनियम है, तो सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा पोलर बनाएगा बॉन्ड को, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस यस acidic nature of H2SO4 will be more than H2SeO. ठीक
ठीक है। अच्छा यस सर। अब हम लोग अक्रॉस अ पीरियड भी देख लेते हैं, राइट। सो अक्रॉस अ पीरियड से यू हैव एन एग्जांपल समथिंग लाइक दिस, ठीक है। H3PO4, H2SO4 एंड देन HClO4, राइट। सो सेम थॉट प्रोसेस कि यहां पर OH बॉन्ड तो कॉमन है सब में। हाँ सर। व्हाट मैटर्स इज उसके बाजू में क्या है। एंड अगेन यू कैन सी इफ आई आस्क यू टू डू अ लाइक स्मॉल कंपैरिजन, ठीक है। वैसे तो आपको बाद में समझ में आएगा रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट यूज होता है यहाँ पर, बट अभी वो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आई एम जस्ट कीपिंग थिंग्स सिंपल फॉर यू। फॉस्फोरस में, सल्फर में और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। क्लोरीन। क्लोरीन। तो कौन कौन ज्यादा उसको ये करेगा, बॉन्ड को पोलर बनाएगा। क्लोरीन। क्लोरीन। क्लोरीन बनाएगा तो उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। यस सर। यस। ग्रेट। तो आपको ये पार्ट समझ में आया कैसे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स को कंपेयर करना है। यस सर। ठीक है सर। वो ब्रैकेट में क्या लिखा है XOH टाइप फर्स्ट वाले में। इन XOH द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड इंक्रीजेस बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन। ओके सर। ठीक है। तो ये क्लैरिटी है अब आपको। अच्छा अब इसमें हम थोड़ा सा और वैरायटी देखते हैं, थोड़ा सा और एग्जांपल्स एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर मैं नोटिस करना बाय द सेम थॉट प्रोसेस, ठीक है, जो सेम लॉजिक हमने ऊपर यूज किया है, डिस्कस किया है, अगर मैं एक ही एलिमेंट के मल्टीपल ऑक्सी एसिड्स कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय दिस। लेट्स से इफ आई एम आस्किंग यू टू कंपेयर HNO3 एंड HNO2 या फिर H2SO4 एंड H2SO3, राइट, या फिर HOCl, HClO2, HClO3, HClO4, एक ही एलिमेंट के क्या कंपेयर करवा रहा हूं मैं, डिफरेंट एसिड्स, डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स। तो इसमें कैन यू लाइक टेक अ गेस कि व्हाट शुड बी द order of acidic oxygen atom। पहले वाले में किसका acidic strength ज्यादा होगा। HNO। 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 दूसरे वाले में H2SO4। HClO4। HClO4 decreasing होगा। right। ऐसा क्यों बोला आप लोगों ने, what was your thought process? The number of oxygen atoms। Oxygen atoms। राइट। सो यहाँ पर आप बिल्कुल वैसे आंसर करो जैसे आपने सोचा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के हिसाब से सोच लो। और यू कैन ऑल्सो से इट इज रिलेटेड टू द ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। मैंने आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाया था, इसमें नाइट्रोजन +3 है, इसमें नाइट्रोजन +5 होगा। यस सर। यस सर। राइट। एंड अगर मैं आपसे पूछूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, किसका ज्यादा होगा। +5 वाले का ज्यादा होगा ना। यस सर। तो वो ज्यादा पोलर बना देगा OH बॉन्ड को। यस सर। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देगा। समझ में आ रहा है ये। यस सर। यस सर। तो लेकिन ऑक्साइड में उल्टा होगा ना, जब जिसका ज्यादा है वो कम एसिडिक बनाएगा। नहीं नहीं, ऑक्साइड में भी ऐसे ही रहेगा, मतलब लाइक इफ आई आस्क यू आपने बोला था जिसका डेल्टा ई एन ज्यादा होता है उसका मतलब बेसिक नेचर।
डेल्टा ई एन, अच्छा अच्छा तुम ऐसा कहना चाह रहे हो एसओ टू और एसओ थ्री में। हाँ सर। एसिडिक नेचर। अच्छा नहीं सर, समझा समझा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो फिर हाँ डेल्टा ई एन तो उसका कम हो जाएगा ना। हाँ सर, हाँ सर, समझा समझा। ओके नाउ इसमें एक एक्सेप्शन है, वो आप ध्यान रखना। दिस इज समथिंग जो फिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड एज रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन। ठीक है, एच थ्री पीओ थ्री फॉस्फोरिक फॉस्फोरस एंड हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इनमें जो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कुछ उल्टा रहता है। H3PO2 का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू H3PO3 एज कम्पेयर टू H3PO4। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसे शॉर्ट में लिख दिया है ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन, बट व्हाट इट मींस, व्हाट इज कॉन्जुगेशन देन व्हाट इज क्रॉस कॉन्जुगेशन, ये सब आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। ठीक है, अभी जस्ट मैंने मेंशन कर दिया है, वहां पे यू विल कम अक्रॉस दिस। ऑलराइट, इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है, so this is comparing strength of acids. ठीक है, now ये हमारा electronegativity का factor complete हो जाता है। काफी सारे applications देखे हमने उसके। Let's move on to the next periodic property. या फिर आप लोगों को होमवर्क डिस्कस करना है सर। नेक्स्ट पीरियडिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पीरियडिक प्रॉपर्टी सर। नेक्स्ट पीरियडिक प्रॉपर्टी पढ़ के क्लोज कर दें। यस सर। एक ही बाकी है ना, हाइड्रेशन एनर्जी। एक ही बाकी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है सर। बाद में ये नालायक चैप्टर खत्म होगा सर। सर अब केमिकल बॉन्डिंग इससे बेटर है ना सर? केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना 11th। हां सर, इससे बेटर है ना? देखो या या ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे। नाउ नोटिस करना, इंस्टेड ऑफ सो इसमें आप डेफिनेशन नोटिस करोगे तो वी विल बी डिसॉल्विंग आयंस इन वाटर। However, if we change the solvent, instead of water, we take some other solvent, then ये जो term है इसका नाम change हो जाता है, इसको बोला जाता है solvation energy, ठीक है, in case the solvent is not water. However, in 99.99% scenarios, आपका अगर कुछ बोला हुआ नहीं है तो ऐसे हम लोग assume करेंगे कि it is water only as a solvent, and you, what we will be doing or comparing will be this term or this property called as hydration energy. Now before we start talking about hydration energy, isme jo hydration word hai usi ko hum log pehle explore kar lete hain, that what does that word hydration mean, right? So can sir, you read? हाँ सर, ये सिर्फ आयंस के लिए डिफाइंड होती है क्या? नहीं नहीं, अभी हम लोग पढ़ आयंस के लिए रहे, इट कैन बी डिफाइंड फॉर कंपाउंड्स एज वेल, बट वो हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। अच्छा ओके सर, ठीक है, अभी के लिए आर फोकस विल बी स्टडिंग इट फॉर आयंस ओनली, एंड आयंस में भी आई विल बी प्राइमरीली डिस्कसिंग लाइक आयंस of like standalone ions of elements. जैसे मतलब मैं अगर
सल्फर एज एन एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं सल्फाइड आयन के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही सल्फेट आयन के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आर डिस्कशन विल बी लिमिटेड टू आयन्स एंड दैट टू सिंपल एटम के आयन्स, एलिमेंट के आयन्स। ठीक है, यस ऑलराइट। नाउ कैन यू रीड द पैराग्राफ, व्हाट इट मींस, व्हाट हाइड्रेशन मींस, एक बार आप तसल्ली से पढ़ लो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। All right. So what it is saying is that hydration is a process in which an ion gets surrounded by water molecules. So जैसे for example आपने NaCl पानी में डाला, right? आपने NaCl salt है उसको पानी में डाला, तो what happens inside this solution is that ये salt Na plus and Cl minus ions में break हो जाता है। ठीक है, now these ions attract water molecules. Why do water molecules get attracted? Because water molecules themselves are polar in nature. They have a partial negative and a partial positive end. है कि नहीं, ये समझ में आ रहा है आपको? Yes sir. तो जो ये पार्शियल नेगेटिव एंड है ये कटायन से अट्रैक्ट होगा, राइट? एज अ कॉन्सिक्वेंस ये कटायन के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अरेंज होने लगेंगे एंड यू कैन से लेयर्स फॉर्म करने लगेंगे। वैसे ही अनायन के अराउंड भी ये वाटर मॉलिक्यूल्स अरेंज होने लगेंगे। सर ऐसे हो सकता है क्या कि द हाइड्रोजन ऑफ वन गेट्स अट्रैक्टेड टू द ऑक्सीजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल? नहीं, वो तो है ही सही, मतलब वाटर वाटर के मॉलिक्यूल्स तो आपस में इंटरैक्ट कर ही रहे ना, दैट इज तो आई एम नॉट डिनाइंग। अच्छा, वाटर पोलर है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल भी पोलर है, पोलर पोलर आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर ही रहे हैं। बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि जब हम लोग इसमें ये Na plus ion या Cl minus ion डाल रहे हैं तो what is happening is that these Na plus ions attract these polar water molecules around them because these opposite charges attract each other. Similarly, chloride ion will also get attracted. ठीक है, it will also attract water molecules around it. So this process of attracting these water molecules around the ion is called as hydration. ठीक है, ऐसा करने से notice करना, what we say is we get an aqueous ion. ठीक है, term AQ notice करना, Na plus AQ means aqueous ion or hydrated ion. So this aqueous ion or hydrated ion is what? ध्यान से notice करना, this aqueous ion is the actual ion Na plus plus जो उसके around layers of H2O molecules बने, इन सब को मिलाकर we say that we have a hydrated ion or an aqueous ion. ठीक है, so जो size of hydrated ion है, notice करना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, size of hydrated ion includes the ion itself as well as the layer of water molecules around it. As a consequence, जो hydrated ion का size है, that is much bigger than the size of gaseous ion. Is it necessary to be gaseous? नहीं नहीं, gaseous तो मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ, just to think of it कि हाँ ये एक isolated ion था, और उसके comparison में what is meant by hydrated ion?
राइट. तो यहाँ पे दो डेफिनेशंस मैं आपके साथ क्लियर करना चाह रहा था. एक व्हाट इज हाइड्रेशन एंड देन व्हाट इज हाइड्रेटेड आयन. ये दो डेफिनेशन क्लियर है आपको अब? यस सर. ठीक है, अब तीसरी डेफिनेशन पे आ जाते हैं विच इज हाइड्रेशन एनर्जी. तो ये जब प्रोसेस है हाइड्रेशन का, इसमें एज यू कैन सी ऑपोजिट चार्जेस आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर. और जब ऑपोजिट चार्जेस पास में आते हैं तो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, रिलीज होती है. सो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी. ठीक है, तीसरी डेफिनेशन भी समझ में. ऑल्दो ये जो टर्म है हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसका एक ज्यादा टेक्निकल डेफिनेशन है, थोड़ा स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वो नोटिस करना. इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ गैशियस आयन is dissolved in sufficiently large amount of water. क्या है definition? When one mole of isolated gaseous atoms या gaseous ions, they are dissolved in sufficiently large amount of water, then the amount of energy released is called as hydration energy or hydration enthalpy. हाइड्रेशन एनर्जी या फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसको हम लोग ऐसे डेल्टा एच एच ई, ठीक है. हाइड्रेशन एनर्जी को तो एच ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर इसको ऐसे हाइड्रेशन एंथैल्पी भी बोला जाता है. ये डेफिनेशन क्लियर हुई? यस. ठीक है, इसका साइन नेगेटिव रहेगा बिकॉज इट इज एनर्जी रिलीज्ड एंड यूनिट्स विल बी ऑफकोर्स जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल या कैलोरी किलो कैलोरी पर मोल. ठीक है सर. हाँ सर, यहाँ पर सफिशिएंटली लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ? मतलब कि मतलब सैचुरेट ना हो जाए उतना हुआ क्या? नहीं नहीं नहीं. सो इसमें कैसा होता है, आपको अच्छा ये डाउट आया है. ऑल्दो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस डाउट इन थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर ओनली, बट आपने पूछा है तो मैं भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ. सो नोटिस करना, जैसे ये NaCl सॉलिड को अगर मैं वाटर में ऐड करता हूँ, ठीक है. Now let's say if I add it in say smaller quantity, ठीक है, one mole NaCl one mole water में add कर रहा हूँ और notice कर रहा हूँ कि कितनी energy release हो रही है, ठीक है, say -100 joule energy release हो रही है, then I increase the amount of water, I find more energy is released because more water molecules can interact, and I keep on doing this. दो की जगह let's say मैं 4 मोल ले रहता हूँ तो ये और बढ़ जाती है. ठीक है, random values ले रहा हूँ मैं अभी आपके लिए. ठीक है, instead of 4 say 20, right? तो ये एनर्जी बढ़ रही है. ठीक है, ये बढ़ के 200 से अब 250 हो गई. सॉरी. ठीक है, देन व्हाट आई ऑब्जर्व इज इफ आई कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस H2O का अमाउंट, ठीक है, से 200 मोल भी ले रहा हूं तो ये जो वैल्यू है बढ़ रही है, बट देन इट इज ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टुवर्ड्स अ वैल्यू. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बढ़ता जाएगा तो ये बढ़ता ही जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है तो दिस इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स सम सैचुरेशन वैल्यू.
ठीक है, एंड दैट वैल्यू इज व्हाट वी आर रिपोर्टिंग एज द हाइड्रेशन एंथैल्पी. तो हम लोग बोल देंगे दैट H2O इज सफिशिएंटली लार्ज. समझ में आया अभी? यस सर, थैंक यू सर. ठीक है, नाउ डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गए. व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी, हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी, राइट? हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रेटेड आयन क्या होता है, ये सारी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है. तो अब हम इस प्रॉपर्टी के फैक्टर्स समझ लेते हैं. आई थिंक काफी फेयरली ऑब्वियस फैक्टर्स आपके सामने होंगे. इफ आई वॉज टू आस्क यू टू गेस दैट इफ आई एम कंपेयरिंग हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट आयन्स, वॉट कुड बी द फैक्टर्स? साइज, पोलैरिटी, पोलैरिटी, सो यहां पर चार्ज एंड साइज आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. ठीक है, दे कैप्चर हाउ हाइड्रेशन एनर्जी इज गोइंग टू बी. अगर चार्ज, ठीक है, चार्ज के अक्रॉस आप नोटिस करना, मैंने मॉड का साइन बनाया हुआ है. मॉड का साइन मींस दैट मैग्नीट्यूड के बारे में बात करी जा रही है, क्योंकि कटायन अनायन दोनों ही हाइड्रेट होते हैं ना. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कटायन ही हाइड्रेट हो रहा है, अनायन भी हाइड्रेट हो रहा है. तो यहाँ पर चार्ज अगर आपका ज्यादा है तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होंगे, राइट? आपका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा, एज अ रिजल्ट आपका ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगा. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो, फेयरली ऑब्वियस पॉइंट. दूसरा पॉइंट नोटिस करना, दूसरा पॉइंट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, विच इज साइज ऑफ आयन. नाउ एक्चुअली ये पहला जो फैक्टर है दैट इज एक्चुअली अ डोमिनेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर. ठीक है, साइज ऑफ आयन also plays an important role. And किस तरीके से it is playing an important role वो आप notice करो. अगर size of ion कम होगा, ठीक है, let's say if I ask you to do a comparison, ठीक है, मैं एक example ले लेता हूँ साथ में. You have Li plus and Na plus, ये दो ions हैं. इन दोनों में charge तो same ही है दोनों का, है कि नहीं? Both are plus one charge only. So if I now ask you, Li plus or Na plus में कौन सा छोटा होता है, क्या रहेगा आंसर आपका? Li plus. Li plus will be smaller in size. Now Li plus is smaller in size. Means उसके अराउंड ज्यादा लेयर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकती हैं, बिकॉज इट इज द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ मोर कॉम्पैक्ट रीजन. यस सर. एज कंपेयर्ड टू एनए प्लस वेयर इट इज द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज बट इन अ रिलेटिवली more spread out region. So we call this as charge density, charge upon volume. So jiska size chota hoga uska charge density zyada rahega. Right or not? Yes, sir. So, as a consequence, we can very well say that
साइज अगर कम होगा तो इसकी वजह से एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा, ज्यादा लेयर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सराउंड हो पाएंगी, हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, राइट। तो ये दोनों फैक्टर समझ में आ गए आपको? साहब एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हो साइज ऑफ आयन? साइज ऑफ आयन में अगर आप नोटिस करोगे, सेम चार्ज में अगर एग्जांपल कंपेयर कर रहा हूँ, हाँ सर, तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज अट्रैक्टिंग वाटर मॉलिक्यूल्स है, बट एक ज्यादा कॉम्पैक्ट है, राइट, सो इट विल अट्रैक्ट मोर वाटर मॉलिक्यूल्स अराउंड इट। यस सर, है कि नहीं? हाँ सर, राइट। सो बेस्ड अपॉन दैट यू शुड बी एबल टू देन आंसर दैट व्हाट विल बी द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। ओके सर। अच्छा, अब लेट्स से मैं आपसे एग्जांपल्स कंपेयर करवाना शुरू करता हूँ, ठीक है? सो लेट्स से इफ आई आस्क यू दीज फोर आयंस, ठीक है, दिख रहे हैं थोड़ा बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे है, Li plus Na plus till cesium plus, किसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा रहेगा? ओ Li plus, राइट। सो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, राइट सर, चार्ज तो सेम है इनमें, राइट। इफ आई लुक एट द साइज का डेटा, तो साइज Li plus का छोटा है, एज अ कॉन्सिक्वेंस चार्ज डेंसिटी उसका ज्यादा होगा, एंड एज अ रिजल्ट उसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा रहेगा, हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा रहेगा, लाइक द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड विल बी मोर, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट आप देखो, इफ आई आस्क यू दिस एग्जांपल, Na प्लस Mg प्लस Al3 प्लस, इसमें कैसा रहेगा? Al3+ प्लस का Al3+ चार्ज ऑफ आयन ज्यादा डोमिनेट करता है, ऑलराइट। सो कैसा दिख रहा है आपको ये? चार्ज ऑफ आयन ज्यादा डोमिनेटिंग है, इनफैक्ट इसमें दोनों ही फैक्टर्स हेल्प कर रहे हैं सेम ही ट्रेंड के लिए, मतलब यहां अगर आप नोटिस करोगे, राइट, तो चार्ज भी अल्यूमिनियम 3+ का ज्यादा है एंड साइज भी छोटा है, तो दोनों फैक्टर्स के हिसाब से एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन Al3+ का ज्यादा रहेगा, है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, if I talk about this example, N3-. तो यहां पर चार्ज एंड साइज कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, बट अगेन द डोमिनेटिंग फैक्टर इज चार्ज ओनली, ठीक है? बट ये जो साइज था वो एक्चुअली इसीलिए था क्योंकि यहां पर लाइक वी आर डूइंग अक्रॉस अ पीरियड कंपैरिजन, मतलब चार्ज तो कैसा हो रहा है, फ्लोरीन से ऑक्सीजन डबल हो रहा है, फिर ऑक्सीजन से नाइट्रोजन की तरफ जा रहे हैं, तो लाइक फ्लोरीन से नाइट्रोजन ट्रिपल हो रहा है चार्ज, साइज थोड़े ना अक्रॉस अ पीरियड इतना चेंज करता है सर, सपोज चार्ज सेम हो तो साइज बाद में डोमिनेटिंग फैक्टर बन जाएगा। हाँ, चार्ज सेम है
तो हमने साइज के हिसाब से कंपेरिजन करा, राइट। बट जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो, Li प्लस और Ca2 प्लस, इसमें कैसा है, चार्ज भी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है और साइज भी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। तो फिर ऐसे केस में आई विल सिंपली से कि कांट कमेंट, मतलब देन इट इज अ टू रिस्की अ बेट टू प्लेस अ कमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Now, based upon this, अब हम कुछ applications भी देख लेते हैं इस property के। ठीक है, पहला application देखना, it is size of hydrated ion। ठीक है, जो aqueous ion है उसका size कैसा रहेगा। तो लेट्स से इफ आई आस्क यू टू डू द कंपैरिजन, आप लोग ये Li प्लस से CS प्लस के बीच में कंपेयर करके बताओ। Li प्लस का ज्यादा होगा, किस वजह से? CS प्लस सर, CS का साइज बड़ा है और चार्ज सेम है, चार्ज सेम है। Li प्लस का साइज छोटा है और चार्ज सेम है, तो फिर मॉलिक्यूल्स का right, so you are getting an idea? Awesome. Okay, great. यहाँ पे चार्ज तो सेम है, जो गैशियस आयन का साइज है वो Li का छोटा रहेगा, बट एक्वस आयन का साइज सीजियम का छोटा रहेगा। ठीक है, Li का बड़ा हो जाएगा, Li प्लस का। अच्छा, देन एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर देखना, दिस इज कॉल्ड एज आयोनिक मोबिलिटी। व्हाट इज दिस फैक्टर, यहां पे नोटिस करना, डेफिनेशन क्या होगा आयोनिक मोबिलिटी का, दैट आयन जो है वो वाटर में किस स्पीड से मूव कर पाता है। सो लेट्स से यहाँ पर राइट हैंड साइड पे डायग्राम पे फोकस करो, राइट। ये कैसा डायग्राम है कि अगर एक एक्वस सॉल्यूशन है उसके अक्रॉस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, राइट, इलेक्ट्रोड्स लगा दें, देन व्हाट शुड बी द मोबिलिटी, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ आयंस, राइट। सो यहां पर if you will notice, अगर aqueous ion का size बड़ा हो गया, ठीक है, या उसका extent of hydration बढ़ गया, तो वो ion bulky हो जाएगा, उसका movement restrict हो जाएगा, yes sir, right, so उसकी mobility impact होगी, कम हो जाएगा, right। तो यहां पर एज वी अंडरस्टैंड द कंपैरिजन, सो Na प्लस एंड Mg2 प्लस, अगर मैं आपसे पूछूं किसकी मोबिलिटी कम है किसकी मोबिलिटी ज्यादा है, तो क्या आंसर रहेगा आपका? सर Na प्लस मोबिलिटी ज्यादा है। समझ में आ रहा है? इसमें क्या रहेगा कंपैरिजन? Na प्लस की मोबिलिटी ज्यादा नहीं होगी दिव्यांश, Na प्लस की कम होगी ना, साइज ऑफ एक्वस आयन जो है Na प्लस का और Mg2 प्लस का, अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है, माय बैड, सॉरी, करेक्ट बोला तुमने, Na प्लस का हाँ मोबिलिटी ज्यादा होगा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन Mg2 प्लस का ज्यादा हो जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेटर चार्ज, उसका एक्वस आयन का साइज बढ़ जाएगा, and as a consequence
करेक्ट ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? अच्छा इसमें क्या कंपैरिजन रहेगा, एल आई प्लस एन ए प्लस के प्लस मोबिलिटी बढ़ेगा अक्रॉस द ग्रिड, एल आई प्लस का सबसे कम मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ एल आई प्लस इज गोइंग टू बी लेसर, यस सर, यस सर, है ना? All right. ठीक है, देन एक और एप्लीकेशन देखना विच इज कॉल्ड एज आयोनिक कंडक्टिविटी. इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव थिंग्स बिकॉज कंडक्टिविटी इज अबाउट फ्लो ऑफ चार्ज. तो इसमें दोनों चीजें मैटर करेगी, एक तो फ्लो और एक चार्ज. ठीक है, फ्लो जो है वो किससे रिलेटेड है, ऊपर मोबिलिटी से, एंड चार्ज तो जितना चार्ज वो आयन अपने साथ कैरी कर रहा होगा, है ना? Now, keeping both these things in mind, अब आप नोटिस करना इफ आई आस्क यू डू दिस कंपेरिजन, ठीक है, एच प्लस को छोड़ दो, बट अगर मैं इनकी कंडक्टिविटी आपसे कंपेयर करवाऊं तो कैसी रहेगी? सर इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस अक्रॉस द पेज, डाउन द ग्रुप है. पहली बात तो ये देखो, चार्ज तो सेम है, डाउन चार्ज तो सबका सेम है ना. व्हाट अबाउट मोबिलिटी, ऊपर क्या पढ़ा था मोबिलिटी के बारे में? एल आई प्लस का मोबिलिटी सबसे कम, इंक्रीजेस, एल आई प्लस का मोबिलिटी कम हो जाएगा ना, तो कंडक्टिविटी ऑफ एल आई प्लस वुड बी लेसर, है कि नहीं? Yes, sir. So that should be the trend. अच्छा, इसमें एक add-on point है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए, which is that H plus ion, ठीक है? अगर मैं इस ट्रेंड के हिसाब से सोच रहा होता तो H plus ion जो है वो मेरा इनसे भी सबसे ज्यादा स्लो होना चाहिए था, लाइक उसकी कंडक्टिविटी और स्लो होनी चाहिए थी. However, H plus ion is in fact much higher in terms of conductivity as compared to these ions, and uska reason is actually something in this way, that H plus ion jo hai wo water ka hi solvent hai, to uska jo conduction ka mechanism hai that is actually quite different as compared to these ions. Matlab if you notice upar wala visualization ki yahan par ek solution hai aur solution mein ye ions present hai, ठीक है, और मैंने दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये जो एक आयन होगा, ठीक है, इसकी मोबिलिटी तो क्या है, इस आयन को खुद को लेफ्ट टू राइट जाना है, ठीक है, दूसरे आयन से या दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा दे टकरूते, मतलब ये जाता रहेगा, है कि नहीं? इफ आई टेक से एग्जाम्पल ऑफ एल आई प्लस आयन या एन ए प्लस आयन, दिस इज हाउ दिस आयन विल फ्लो. बट जो H प्लस का आयन है उसका जो तरीका होता है फ्लो करने का वो तरीका ही अलग होता है, बिकॉज इट इज अ सॉल्वेंट का आयन ओनली. तो व्हाट हैपेंस इज दैट इट हॉप्स, ठीक है, ये H प्लस आयन रहेगा, फिर एक ये H2O मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है, फिर अगला H2O मॉलिक्यूल रहेगा, फिर अगला H2O मॉलिक्यूल रहेगा. तो क्या होता है, ये इस पे हॉप करता है, यहां से H+ रिलीज होके अगले पे हॉप कर जाता है, फिर यहां से H+ रिलीज होके अगले पे हॉप कर जाता है. तो इन दिस वे द H+ आयन ट्रैवल्स मच मच फास्टर एज कंपेयर टू द अदर आयंस. तो जो सॉल्वेंट का आयन है उसका कंडक्टिविटी एक्सेप्शनली फास्ट होता है, ठीक है. सो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इंस्टेड ऑफ H2O
अगर लेट्स से आई डिसाइड कि यू नो लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट है, ठीक है, लेट्स से इफ आई टेक दैट एज अ कॉल दैट लिक्विड अमोनिया इज द सॉल्वेंट, तो उस केस में व्हाट विल बी द कैटायन ऑफ द सॉल्वेंट? अमोनियम आयन है कि नहीं? यस सर, दिस विल यस सर, हाँ, सो दिस विल बी ट्रैवलिंग मच मच फास्टर एज कंपेयर टू द अदर आयन्स. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयोनिक मोबिलिटी? लेकिन H3 में NH4+ कहां से आ जाएगा? नहीं जो, अरे क्यों नहीं आएगा, मतलब स्कूल में तो बोला था कि ओनली व्हेन वाटर इज एडेड टू NH3 तब NH4 बनेगा. नहीं नहीं ऐसा नहीं, देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज सेल्फ आयोनाइजेशन. सर स्कूल में तो पूरा स्कैम कराया है सर, फिर तो बोला NH3 जब लिक्विड स्टेट में है तो फिर आयंस बनने का कोई चांस नहीं है. यस सर, मतलब देयर इज अ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे थोड़े टाइम बाद, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ आयोनाइजेशन. जैसे H2O डिसोसिएट्स इनटू H+ एंड OH- आयंस टू अ स्मॉल एक्सटेंट, ठीक है, वैसे अमोनिया के केस में भी ऐसा होता है, अमोनियम आयन के केस में भी एक्चुअली. चार्ज भी मैटर करता है, तो जैसे अभी ये वाले एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, एन ए प्लस और एन जी टू प्लस में मुझे कंपेयर करके बताओ किसकी आयोनिक कंडक्टिविटी ज्यादा होगी. So can you repeat the question? Na plus and Mg2 plus में किसकी ionic conductivity ज़्यादा होगी? So Na plus की? यहाँ पर if you will notice the two factors are a bit contradictory in nature. Yes, sir. Yes, sir. Right. जो मोबिलिटी है वो एन ए प्लस की ज्यादा है बट चार्ज जो है वो एमजी टू प्लस का ज्यादा है. Yes, sir. ठीक है, यहाँ पर क्योंकि दे आर वेरी क्लोज इनफ एग्जाम्पल्स इन टर्म्स ऑफ कंपेरिजन, अगेन आप एक कॉल ले सकते हो चार्ज डोमिनेट्स. ठीक है, लाइक यहाँ पर अगर मैंने एक ए एल थ्री प्लस भी डाल दिया होता तो ए एल थ्री प्लस का ज्यादा कंडक्टिविटी आप लिख सकते हो. ठीक है, क्लियर है ये? यहां तक का पार्ट समझ में आया? यस सर. यस सर. ठीक है, ग्रेट. तो आई थिंक आज का डिस्कशन यहां तक के लिए काफी है, बिकॉज एक छोटा सा पार्ट और बचा हुआ है विच इज रिलेटेड टू द लाइक. सर आप भी करवा दो. नहीं नहीं उसमें टाइम लगेगा, इट विल टेक एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट्स. सर डायगोनल रिलेशन वाला पार्ट, हाँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड डायगोनल रिलेशनशिप, तो वो मैं आपका अगली क्लास में कंप्लीट करा दूंगा. इन द मेन टाइम अब आपको मैं और होमवर्क दे दूंगा, तो आप उसको भी अटेम्प्ट करो. सर तो कल फिर होमवर्क डिस्कस करेंगे ना? कल हाँ होमवर्क डिस्कस कर लेंगे, पहले प्रायोरिटी पे होमवर्क डिस्कस कर लेंगे पहले. सर जितना कल मतलब आपने लास्ट क्लास दिया हुआ है, जितना अभी तक दिया हुआ है ना लास्ट क्लास तक जितना दिया हुआ है उतना. सर Na+ और Mg2+ के बीच का हाइड्रेशन एनर्जी कंपेयर करेंगे तो उसमें भी चार्ज डोमिनेट करेगा. हाँ वो तो अपने ऊपर देखा ही था ना, हाइड्रेशन एनर्जी का कंपैरिजन वगैरह तो हमने ऊपर ही देख लिया था ना. Answer, how do we determine ki sufficient amount of water kya hoga? No, you don't need to. For you, it is like sufficient is sufficient. Bye, sir. Thank you. Okay. Sir, and polarity ka definition kya hoga?
इसका डेफिनेशन पोलैरिटी 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 का हाँ पोलैरिटी इज द पार्शियल चार्जेस जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस उतना ज्यादा पार्शियल चार्जेस उतना ज्यादा पोलैरिटी सर बिकॉज वो डेल्टा प्लस और डेल्टा नेगेटिव फॉर्म होता है इसके लिए सर एक चीज समझ नहीं आई सर वो डाउन द ग्रुप वाला बॉन्ड स्ट्रेंथ वो वाला नहीं समझ आया डाउन द ग्रुप वाला बॉन्ड स्ट्रेंथ हाँ सर ऊपर अच्छा वो एसिड कंपैरिजन वाला एसिड स्ट्रेंथ कंपैरिजन हाँ बोलो हाँ सर सो इधर लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज साइज ऑफ एटम सो सो दे टॉक अबाउट बॉन्ड लेंथ और रेडियस सो आई एम कंफ्यूज्ड बॉन्ड लेंथ मतलब अगर एटम एक ही बात हो गई ना राजा अगर एटम का साइज छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी छोटा होगा ना हाँ सर स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा ना हाँ सर सो अगर रेडियस कम हो गया तो स्ट्रेंथ मतलब अगर बॉन्ड लेंथ कम हो गया तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा ना वैसा सर ना हाँ टिपिकली वैसे सोच सकते हो आप एंड सो कैन वी कंक्लूड दैट बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डेल्टा एन नहीं दोबारा बोलो क्या सो कैन वी से दैट बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन या Yes, you can. You will be, in fact, writing down that as one of the factors. Okay, sir. Or? Sir, in that exception you told, no? For Na plus and Mg plus, the exception we cannot decide. So, for that one, ionic conductivity cannot be decided, no? Because for one, mobility is more, and for another, charge is more. उसमें मैंने बोला ना charge dominant ले लेना. Yes, sir, could you just explain this part? And I didn't get it actually. इसमें opposite factors है ना charge and mobility. Yes, sir. Charge and mobility. हाँ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ? Typically charge dominates. Oh. When there is contradictory thing like happening. Yeah. Okay, sir. Sir, and another thing, in that hydration energy, you know, the energy that is released, so that energy released will be in what form, like it? सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा ना यस सर लाइक इट कुड बी इन फॉर्म ऑफ हीट ओनली ना मतलब जैसे व्हाट यू विल डू इज आपने लेट्स से आयंस पानी में डिसॉल्व हुए राइट तो फिर अगर आपने उसमें थर्मोमीटर डिप कर रखा है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसका द एक्सोथर्मी इट्स बेसिकली एक्सोथर्मी प्रोसेस हां ओके सर Sir, and another thing, like if you put that NaCl, so that Na plus will be attracted with that O minus, and Cl will be attracted with H plus. So, like, will we identify some change when this happens? Like, will we how can we like observe means? Observe as in? So, like, will we find any change after putting the NaCl salt? So the attraction where the water molecules get the oxygen will get attracted towards Na plus. No? So will we see any effect or change when we observe this process? Like I still didn't get you in the sense. So like physically observe, like if we put that salt and when we will about this attraction all taking place for Na. So will we see any change in the effect after मतलब आपने like substance लिया पानी में dissolve करा stir किया dissolve हो गया dissociate हो गया hydration हो गया उसकी वजह से you could feel that it could the test tube can become hotter or colder so I didn't get the explanation can you just repeat मतलब मेरे को आपका क्वेश्चन भी समझ नहीं आया सर इवन आई डोंट नो हाउ टू फ्रेम इट प्रॉपर्ली बिकॉज़ मींस व्हाट आई वांट टू नो इज लाइक सपोज व्हेन वी पुट द सॉल्ट सो लाइक एज वी टोल्ड नो डिस्कस नो सर द ओ माइनस गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनए प्लस एंड सी माइनस विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एच प्लस सो द इफेक्ट लाइक विल वी सी एनी फिजिकल ऑब्जर्वेशन इफेक्ट टेकिंग प्लेस व्हेन दिस हैपेंस और इट विल बी द नॉर्मल थिंग यूजुअली in the water
हाँ वी आर सीइंग दैट नो दैट दीज लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि आपको आंखों से कुछ दिखेगा लाइक फ्रॉम योर विजुअल पर्सपेक्टिव लाइक एक्सपेरिमेंटली वैलिडेटेड वी अंडरस्टूड दिस हैपन बट एक्सपेरिमेंटली वी वैलिडेटेड बट विदाउट एक्सपेरिमेंटली वी कैन नॉट ऑब्जर्व एनीथिंग नो सर दैट्स व्हाट आई वांट टू नो हां मतलब ऑफ कोर्स इट नीड्स टू बी एक्सपेरिमेंटली वैलिडेटेड नो लाइक आंखों से तो नहीं दिखेगा ना यू वोंट बी एबल टू सी आयंस Yes, sir. We won't be able to see ends. But any other physical change in terms of heat or something? Temperature. Only temperature, sir. In this case. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Sir, charge density wala part ek aur baar pooch sakte hain. Charge density wala part was this one. So, isme wahi hai na ki aapke samne pucha ja raha hai ki ek Li plus ion aur ek Na plus ion, right? Kiska zyada hydration hoga? Which is going to undergo greater hydration, right? What is hydration? Hydration is surrounding of the ion by the water molecules, right? अब यहाँ पर अगर सेम ही चार्ज है बट एक चार्ज ज्यादा कॉम्पैक्ट है तो इट विल अकोमोडेट मोर वॉटर मॉलिक्यूल्स अराउंड इट्स सेल्फ बट दैट प्लस वन चार्ज इज इन अ स्मॉलर वॉल्यूम इट इज मोर कॉम्पैक्ट तो इसके अराउंड ज्यादा लेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं ना सर तो लेयर्स काउंट कर रहे हैं मतलब एक लेयर में कितना H2O है लेयर्स और यू कैन सिंपली से लाइक कितने H2O मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड कितने H2O मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग सराउंडेड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक एन इंपैक्ट थैंक यू सर सर डिसॉल्विंग मतलब सर जब हम डिसॉल्व करते हैं तो स्टरिंग उसमें कैसे हेल्प करता है सर हम तो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ना तो हाइड्रेशन एनर्जी मतलब सर उसमें फिर हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज ही नहीं होनी चाहिए और फिर डिसॉल्विंग होना चाहिए ना कोई भी सब्सटेंस सर क्योंकि नेट अगर हम नेट एनर्जी देखें तो हमने प्रोवाइड कर दी उसे नहीं नहीं मतलब दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स व्हेन यू आर सेइंग दैट यू आर स्टिरिंग द सॉल्यूशन यस सर व्हाट यू आर डूइंग इज यस यू आर प्रोवाइडिंग इट सम एनर्जी बाय स्टिरिंग इट ठीक है यस सर बट दैट इज समथिंग व्हिच यू आर डूइंग प्राइमरीली टू स्पीड अप द प्रोसेस मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक शुगर का क्यूब आपको दूं और बोलूं कि इसको पानी में डाल के छोड़ दो और एक घंटे बाद आओगे तो हो सकता है वो क्यूब ऑलमोस्ट डिसॉल्व हो ही गया हो राइट लेकिन आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना आपको चाहिए कि यार फटाफट डिसॉल्व हो और आगे बढ़े अपन अपनी वैल्यूज नोट करें सर तो फिर एनर्जी प्रोवाइड करने से वो कैसे स्पीड अप होगा एनर्जी प्रोवाइड करने से नहीं इट इज दैट व्हेन यू डू दिस प्रोसेस ऑफ स्टिरिंग व्हाट यू डू इज यू ट्राई टू लाइक एजिटेट द मॉलिक्यूल्स एंड मेक देम रिएक्ट फास्टर अच्छा इट इज सिमिलर टू जैसे फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल होता है ना राइट हाँ सर तो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल वैसे तो सेम टेम्परेचर पर है आपने शेक करा कि नहीं करा ठीक है लेकिन अगर आपने शेक कर दिया तो ऐसा नहीं कि आपने उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया टेम्परेचर में तो हार्डली कुछ चेंज हुआ होगा शेक करने की वजह से हाँ सर शेक करने के बाद में आप बॉटल ओपन कर दे तो कितना एकदम विग्रसली सोडा बाहर निकलता है हाँ तो मतलब अलग तरीके से यूज हो जाती है एनर्जी So that energy is actually something which is not increasing in temperature. It is actually increasing. Up soda wale example mein, it is helping in increasing nucleation sites, jahan pe zyada bubbles form ho sake.
हाँ सर ठीक है. सो स्टरिंग इज नॉट समथिंग विच यू आर डूइंग टू इम्पैक्ट द टेम्परेचर अ लॉट. ठीक है, स्टरिंग का वो मेजर इम्पैक्ट नहीं है. हाँ, उसका स्पीड अप प्रोसेस करने के लिए. करेक्ट, इट इज मोर टू स्पीड अप. ओके सर, थैंक यू सर, गॉट इट. और कोई डाउट? ऑल राइट देन, चलो थैंक यू गाइस.